इसका हम जो सीन कर रहे हैं वो इसी तरह का है कुछ। मेरी शादी जो वसुंधरा मैम है उनकी वजह से हुआ है। मुझे आज तक नहीं पता कि ध्रुव के सर पर डंडा पड़ा था और वो बेहोश हो गया था। मुझे आज तक लगता है, कहीं ना कहीं फील होता है कि उनकी कहीं ना कहीं गलती थी कि मेरी शादी बिहान से हुई। बट आज मुझे कुछ हाथ लगाए, आज मुझे पान एक एल्बम देकर गया है, उसने बोला है कि बिहान एक बहुत अच्छा इंसान है। बाबूजी ने भी बोला वो किसी का कभी बुरा कर ही नहीं सकता, किसी को तकलीफ नहीं दे सकता। बट ऐसी कोई बात है जो आपसे छुपी हुई है, पान बेसिकली मुझे कहता है तो मैं पूछती हूँ तो वो बताता नहीं है। एक एल्बम मुझे मेरे हाथ में देकर जाता है जिसके अंदर वो सच छुपा है और मैं वो एल्बम देख ही रही होती हूँ, उसमें सुराग ढूंढी रही होती हूँ, जासूसी कर रही होती हूँ कि क्या होता है। बिहान को डर होता है कि मुझे सच्चाई ना पता चल जाए, मुझे वसुंधरा मैम की सच्चाई ना पता चल जाए कि उन्होंने ये सब किया है। तो वो आती हैं, बिहान आता है बेसिकली, और वो उस पर परफ्यूम छिड़क देता है पूरी एल्बम पर और आग लगा देता है जिससे मैं ना देख पाऊँ। बट कहीं ना कहीं भगवान मेरे साथ है कि मैं तुरंत आग बुझाती हूँ और वो कुछ दिख रहा है, परछाई दिख रही है उस फोटो में, बट मुझे नहीं पता चल पा रहा है कि ये क्या है बेसिकली। तो मैं अभी बाजार जा रही हूँ फोटो प्रिंट करवाने, एनलार्ज कराने कि किसकी फोटो है, क्या है, जासूसी करने। मतलब जिसने भी ये करवाया था उसको थपकी छोड़ने वाली तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है मुझसे धोखे से शादी की बिहान ने, और उसके पीछे किसी और का हाथ है आज मुझे पता चल रहा है। बिहान ही नहीं है पीछे इसके, और बिहान बेसिकली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि गिल्टी नहीं है और बिहान बिल्कुल भी उसने शायद नहीं गलत किया, उसने किसी के दबाव में किसी ने कहा है तो किया है ऐसा। हाँ जी बिल्कुल, मास्टरमाइंड का पता लगाना बाकी है। चलिए थैंक यू सो मच की।